आज क्वेश्चन दिया गया है, इस काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान या डिफिकल्ट की बात नहीं है, बात है यहाँ से सीखने की, है ना, कि किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है आपको स्टार्ट करती है कि आप कैसे चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं, आपके एक्सपीरियंस धीरे धीरे बिल्डअप होते चले जाते हैं कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, क्योंकि आगे इसका एप्लीकेशन है, एरिया इंटीग्रल है, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके करने के लिए। अगर ये आपको पार्ट नहीं आता है तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका इंटीग्रल निकालना है, या यूं कहें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर वन है कि ये डायरेक्ट कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, हाँ, तो ये किसी टाइप से कोरिलेट हो रहा होगा। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का देखिए जो डिफरेंशिएशन है वो 2x है, तो ये कौन सी फॉर्म है, जैसा आप देख रहे होंगे f डैश x अपॉन एफ एक्स फॉर्म है, है ना। और f डैश x मतलब अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एफ एक्स मान लीजिए तो इसका डेरिवेटिव 2x पड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे ये तो डायरेक्ट इंटीग्रल हो गया, एक लाइन का हो गया, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, log ऑफ मॉड 1 प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, है ना, प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट c। लेकिन यहाँ मॉड की भी नेसेसिटी नहीं है, क्यों नहीं मॉड की नेसेसिटी है, वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा, तो यह तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब ये मॉड का कोई नेसेसिटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डोमेन इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।